का विकास कब किया गया था? तो जनवरी 2000 में। कोहा जो है ये एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोहा, और ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है। देखिए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जिसका यूज करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा पेड नहीं करना होता है, उसको ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एक होता है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जिसका यूज करने के लिए आपको पैसा पेड करना होता है, तो उसको प्रोप्राइटरी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कोहा जो है ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है और ये सर्वाधिक यूज होने वाला भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। और सोल SOUL यानी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जिसको इंफिल्मेट ने बनाया था, ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसका यूज करने के लिए आपको पैसा पेड करना होता है। कोहा सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो कार्टिपो कम्युनिकेशन LTD वेलिंगटन न्यूजीलैंड के द्वारा कोहा जो है ये आपका लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाई थी। होरेबुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट का संबंध किससे है? तो कोहा, ठीक है, ये जो कार्टिपो कम्युनिकेशन है सबसे पहले इसी ट्रस्ट के लिए कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को बनाई थी, बाद में इस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज पूरे दुनिया के लाइब्रेरी ने करने लगा। सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा गया है? तो पर्ल भाषा में कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को लिखा गया है। कोहा के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ और भारत में कब हुआ था? तो कोहा का जो सम्मेलन जो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2011 तक ठाणे भारत में हुआ था। फिर कोहा का 10 से 16 सितंबर से 18 में पोर्टलैंड ओरेगन USA में हुआ था। फिर कोहा का 1924 में सम्मेलन जो है मई डब्लिन आयरलैंड में किया गया था। कोहा का लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये अभी बताइए आपको, ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है DLMS यानी डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें जो आता है जो आपका ग्रीनस्टोन, फेडोरा, ड्रूपल, ये सब जो है वो आपका डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का पैकेज की उत्पत्ति किस देश के द्वारा किया गया था? तो न्यूजीलैंड के द्वारा इसको किया गया था। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग भी लाइब्रेरी साइंस में BLIS का कोर्स कर रहा है उसको कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर चलाने हर हाल में आना चाहिए। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए किया जाता है? तो कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वो पब्लिक यानी सार्वजनिक स्कूल और स्पेशल लाइब्रेरीज, किसी भी प्रकार का लाइब्रेरी हो उसमें कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। लिप्सिस को किसके द्वारा विकसित किया गया था? लिप्सिस एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, इसको इन्फोटेक दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया था। लिप्सिस के बारे में कुछ जान लीजिए। लिप्सिस एक लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सार्वजनिक यानी पब्लिक स्कूल और स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए किया जाता है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज दोस्तों लाइब्रेरी ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एवरग्रीन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एवरग्रीन सॉफ्टवेयर ये ILMS इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एवरग्रीन सॉफ्टवेयर की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो अमरीका में हुई थी। और एवरग्रीन सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये में दोस्तों ये जो ड्रूपल है और ये एवरग्रीन है, ये चाहे फेडोरा भी होता है, ये सब डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जनरली लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक होता है आपका जो कोहा है, सोल है वो है, और एक है डिजिटल लाइब्रेरी जो होता है उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसमें ड्रूपल, फेडोरा, एवरग्रीन, ये सब। अगर आप मौलाना निजामुद्दीन यूनिवर्सिटी से BS इन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पुस्तकोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करेंगे। ये गाइड जो है वही के विद्वानों द्वारा जो बेलिस के जो थ्योरी का जो पांचों पेपर है उन पांचों पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये वेब नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मिल से ले सकते हैं। इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन जानने देखने को नहीं मिले। और आपको बिलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस
एग्जाम का क्वेश्चन बैंकिंग प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना नजूल हक यूनिवर्सिटी के बिलिस एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो बिलिस के एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम या EMR एकलव्य मेडल रजिस्टर स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल।